चाहिए। सर सब हो गया ना, डन ना सर, आप लोग बैठ जाइए। चलो भाई लगाओ जयकारे। चाहते सबकी खुशहाली, सबका प्यार मिला रहे हमेशा। बिल्डिंग मेरी फेवर में रहे, मैं झगड़ता हूँ नहीं बिल्डिंग से, बस बिल्डिंग मेरी फेवर में रहे, कोई नहीं झगड़ता। अच्छा भैया देखो कि आप हमारी एक्चुअली काफ़ी सालों से बिल्डिंग में ही मूर्ति विसर्जन होती है, 21 साल हो गए। बाकी हमारी मैडम आपको बताएंगी, ज़्यादा बेटर है, इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे प्लीज़। एकदम 100% इको फ्रेंडली मूर्ति हम प्रेफर करते हैं। नो विसर्जन एक बार स्थापना करके हम सोसाइटी ऑफिस में लास्ट ईयर से करते थे। ये ब्रास की आइटम है जो हमारे सोसाइटी परमानेंट आइटम, इसको हम लोग लाते हैं गणपति में पूजा करके वापस ऑफिस में रख देते हैं। एंड विसर्जन के लिए हम लोग जितने लोग स्थापना में बैठते हैं, जितने कपल्स, उतने छोटे छोटे हम लोग आइडल्स लेकर आते हैं, केवल उन्हीं का विसर्जन। और वो विसर्जन भी इन हाउस ही है, हमारा खुद का छोटा पॉइंट बना हुआ है। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, बाहर नहीं जाते। We are trying to do the eco-friendly गणपति आउट। एक्चुअली एक बड़ी सोसाइटी जी, आप देखते हैं ना चश्मा, उल्टा चश्मा जो है, एक श्लोक बोलो, हाँ उससे बेटर सोसाइटी है हमारा। तारक मेहता का उल्टा बंद तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हां जी प्लीज जी, श्लोक वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो गणपति महाराज की जय, रिद्धि सिद्धि की जय, शुभ लाभ की जय। जब से हमारे गणपति आते हैं हमारी बिल्डिंग में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, वैसे भी हम लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट हैव एन अंडरस्टैंडिंग। हमारा सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इस साल हम लोग नया चीज कर रहे हैं। और मेरी एंड वी आर वेरी थैंकफुल, हम सब बहुत कृतज्ञ हैं हमारे दोस्त और ब्रदर श्री विक्रम संधु जी के, जिन्होंने हर बार ये बहुत प्रयत्न करते हैं कि हमारा गणपति फेस्टिवल बहुत ऊंचाइयों पे जाए, और वो जा रहा है, और हम इनके सब तह दिल से शुक्रगुजार हैं। विक्रम जी थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मैं पहली बार गणपति के इस फंक्शन पे आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, एक बहुत फ्रेंडली है। मेरी दिली इच्छा है कि सब खुश रहें,
और भूले भले हैं और हमेशा गणपति इसी तरह मनाते रहे। आज से आप हमारे फैमिली मेंबर, वेलकम टू आईडी फैमिली, हर साल आते रहे इसी प्रकार, यही हमारी कामना है। हमारे सर 21 तारीख को हम लोग ने पहली बार गणपति जी के त्यौहार पे माता का चौकी भी रखी हुई है, एक डिफरेंस चीज़ कर रहे हैं हम लोग साल बिल्डिंग में पहली बार, और पूरे मतलब माता का जागरण करने के लिए जलंधर से पूरी टीम यहाँ आ रही है प्रॉपरली। मैंने उस दिन मीडिया को दोबारा बुलाया हुआ है, मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग कैरी करें उस दिन पूरा प्रॉपरली, और काफ़ी सारे आर्टिस्ट मैंने उस दिन बुलाए अपने फ्रेंड्स के, पूरा आ रहा है उनको रहने खाने की सब व्यवस्था यही है बिल्डिंग में की, हमने बाहर नहीं भेजा, इन हाउस है हमारा सब, घर खाना प्रसाद सब कुछ दिया जाएगा। हाँ हाँ जी, मैं बजाता हूँ एक और समथिंग मिनल, ये जो कपल है सरिता जी और अशोक जी, इसके लिए जोरदार से एक बार तालियां बजाएंगे, इन्होंने हर साल 21 साल से ये कर रहे हैं, हम लोग तो अभी खुशे हैं। हमारी सोसाइटी एक परिवार है, एक टीम है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंद्रदर्शन कार्मा बनता गया, एंड आई एम द न्यू मेंबर ऑफ इंद्रदर्शन, एंड यू आर न्यू मेंबर ऑफ इंद्रदर्शन, वेलकम अगेन। मीनल जी कुछ बोलना चाहती है रिगार्डिंग द इवेंट्स जो हो रहे हैं हमारे 5 दिन में। सो ये जो 5 दिन का हमारा फेस्टिवल होता है, जैसे सरिता जी ने कहा, इट्स अ बिग इंडियन वेडिंग व्हिच इज हैपनिंग, सब लोग एक परिवार के जैसे शामिल हो जाते हैं, एंड 5 डेज के लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे मेहंदी एंड नेल आर्ट एंड मैजिक शोज फॉर चिल्ड्रेन, फन एंड शो, सन एंड फेयर्स, कार्निवल्स, डांडिया, माता की चौकी, एंड इट्स लाइक अ बिग बिग हाउस इवेंट, सब लोग अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होके, जैसे कि एक शादी, जैसे मैंने डाले हुए हैं अभी, थैंक यू थैंक यू। और सबसे बेस्ट, अगर आप लोग को रियल कंटेंट चाहिए तो आपको हमारे 4th डे पे, दैट इज कल्चरल नाइट पे आना चाहिए, जिसमें छोटे से बड़ा परफॉर्म करता है ये स्टेज पे, और इस ऑडिटोरियम आई शुड कॉल इट दिस जो हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे कम से कम 400 से 500 लोग आ जाते हैं, लोग खड़े लटके होते हैं आस पास के साइड से देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं, एंड दिस स्टेज हैज लॉन्च्ड मेनी सेलिब्रिटीज, यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी बन के गए हैं, और बहुत सारी फीमेल्स का करियर भी लॉन्च हुआ है, और देखो हमारे बाजू में भी ऑडियंस है, 150 लोग बाजू से देखते हैं, लॉन्च फ्रॉम हियर, वेरी नोन म्यूजिशियन इज फ्रॉम हियर, शालिन स्टेज हियर एंड ही परफॉर्मड हियर, ये इसलिए है कि लेडीज को घर पे खाना ना बनाना पड़े, वो यहीं रहे, दिस इज फॉर दुर्गा माता, ये सब हमारी दुर्गा माता है। और दूसरी बात, ये मंच से मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माता की चौकी 21 तारीख को है, पंजाब से आर्टिस्ट आ रहे हैं, सारी फीमेल्स पंजाबी ड्रेस में आएंगी और सारे मेल्स कुर्ता डाल के आएंगे, और हम ये शो करेंगे कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरह से माता की चौकी करेंगे इस बार, जय माता, चौकी को हम लोग प्रॉपरली ट्रेडिशनल नहीं, जैसे होती है माता की चौकी उसमें छोटा भी है, हम लोग उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जैसे पंजाब में रखी जाती है, जैसे जगराता होता है उसी संस्कार से हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू, कोई ऐसे खड़े हुए कुछ कैसा तक के देखो ये रेडी चलो, थैंक यू, थैंक यू, बोल रहे किसको, यस यस।